उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं न्यू रेसिपी कस्टर्ड के साथ आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, शुरू में हमने 4 बिस्किट लेने हैं रियो, जो कि हमने इस जग में डाल लिए। फिर हमने इसको ग्राइंड कर लिया। हमने रियो बिस्किट ग्राइंड कर लिया, जो कि हम दूध में ऐड कर लिया। उसके बाद हम 4 से 5 चम्मच लेंगे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। 4 से 5 चम्मच हम स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड 1 कप के अंदर थोड़ा दूध ऐड करेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने दूध में ऐड कर लिया। फिर हम इसको चूल्हे पे रखकर अब हमने इसको 10 से 12 मिनट पकाना है। अब हमने इसके अंदर 6 से 7 चम्मच चीनी ऐड कर ली। और आप अपने मुताबिक जितना आप मीठा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उतनी ही ऐड कर सकते हैं। ये नॉर्मल है मीठा। मीठा डालने के बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट और पकाना है। अब ये देखें, हमने पानी के अंदर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे ही ये ठंडा होगा और हम इसमें और चीजें ऐड करेंगे। अब हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया, जिसमें हम ये चीजें ऐड करने लगे हैं। पहले हम ऐड करेंगे फ्रूट केक, जो कि आम शॉप से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हम इसके ऊपर थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे। फिर हमने काजू, बादाम, पिस्ते और किशमिश मिक्स रखी हुई है, जो कि हम फिर इसके ऊपर थोड़ी ये ऐड करेंगे। फिर हम फ्रूट केक को ऐड करेंगे। फिर हम उसके ऊपर और कस्टर्ड ऐड कर देंगे। अब हमने हसबे जायका थोड़ी सी खजूर ली, वो डाली। फिर हमने फ्रूट केक और डाला। फिर हमने काजू, बादाम, पिस्ते और ऐड किए। नारियल का हमने पेस्ट रखा, नारियल का हमने पाउडर भी इसके ऊपर ऐड करना है, जिसके ऊपर हमने और कस्टर्ड डाल लिया। अब हम नारियल का पाउडर और ऐड करेंगे इसके ऊपर। फिर हम फ्रूट केक को भी और डालेंगे ऊपर। फिर हमने ऊपर खजूर ऐड कर ली। अब हमने स्ट्रॉबेरी कटी हुई इसके ऊपर डाल दी।
हमारा कस्टर्ड तैयार है। अगर आपने फ्रीज करना है इसको, तो आपने इतनी ज़्यादा देर के लिए फ्रीज नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर बर्फ ना बन जाए। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखें और ठंडा हो जाए, और आप अपने मेहमानों के आगे पेश कर। अब हमने इसको फ्रिज में से निकाल लिया, ये फुल ठंडा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।